All right. So, आपने काफी बार देखा होगा कुछ लोग धमकी देते हैं. Yes, किसी को भी धमकी देते हैं. तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? In conditions में आपको क्या करना चाहिए? So, without wasting time, let's get started. But before getting into the video, you have to do my two works. Basic, no rocket science is there, as I always say. So the first thing is Instagram. If you have not followed me on Instagram, then please visit my page and start following me. Got it? And the second thing is hit the subscribe button and press the bell icon to receive more updates from the Gareeb-Akbar. So without wasting time, let's figure out. Intro. Up and just felt right, phone blown like a tailpipe. It's a big schedule, airtight. It's on a short day into a long night. See you soon if you got the heart. Meet you outside when you सो गए. तो पहले मैं आपको बता दूं, करने से पहले आपको बता दूं कि धमकी कितने टाइप्स की होती हैं. तो धमकी तीन टाइप्स की होती हैं. सो फर्स्ट इज बॉडी से रिलेटेड, आई मीन कोई भी बॉडी से रिलेटेड धमकी. सेकंड थिंग इज प्रॉपर्टी से रिलेटेड एंड द थर्ड थिंग इज रेपुटेशन, इज्जत मान मर्यादा. तो बॉडी में आता है जैसे कि आपको कोई धमकी दे कि ये काम कर दे और वो काम इलीगल है. गॉट इट? वो काम इलीगल है और आपको करने के लिए वो बोले, या फिर आपको धमकी दे कि ये कर दे नहीं तो मैं तेरी बॉडी का पार्ट कोई भी, तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा या फिर तेरा तुझे जान से मार दूंगा. गॉट इट? सो द सेकंड थिंग इज प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी इन द सेंस फिजिकल थिंग्स, आई मीन मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी. जैसे कि आपको किसी ने धमकी दी कि ये काम मत कर नहीं तो मैं तेरी गाड़ी तोड़वा दूंगा या तेरा घर तोड़वा दूंगा. Got it? Physical things, जो दिखती हो. And the third thing is reputation. Reputation में धमकी देना, जैसे कि आपको कोई बोले कि ये काम कर दे और वो काम illegal है और आपको बोलता है कि ये काम कर दे नहीं तो मैं तेरी इज्जत का फलूदा बना दूंगा, तेरे पोस्टर्स लगवा दूंगा, तेरा व्हाट्सएप पे कुछ वायरल कर दूंगा, वट एवर इट इज, रेपुटेशन से रिलेटेड. Got it? तो ये तो हो गई धमकी. तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए अगर कोई आपको धमकी दे तो सिंपल है. आपको पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है. गॉट इट? ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है. अगर जो धमकी है वो जनरल है, अगर धमकी जनरल है मतलब सिंपल है, तो होती है इसमें 2 साल की इम्प्रिजनमेंट. अगर जो धमकी है वो आपकी ग्रीवियस हर्ट से लेके रिलेटेड है या फिर किसी लेडीज की मॉडेस्टी, उसकी इज्जत से रिलेटेड है, उसको बदनाम करने से रिलेटेड है, तो इसमें 7 ईयर तक इम्प्रिजनमेंट हो सकता है. तो ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है. इसमें क्या होता है, जनरली जो पुलिस होती है वो जल्दी से FIR नहीं लिखती, आई मीन उन्हें ऑर्डर नहीं होता, उन्हें उनके पास पावर नहीं होती नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR लिखना. गॉट इट? तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हो, उन्हें DDR लिखा सकते हो, डेली डायरी रिपोर्ट. गॉट इट? सो सेकंड थिंग इज कोर्ट केस. आप कोर्ट केस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 503. आप कोर्ट में केस डाल सकते हो कि उसने मुझे ये धमकी दी. तो ऐसे में क्या होगा, जिसने आपको धमकी दी, अगर आपने ये चीज़ प्रूफ कर दी कि उसने मुझे धमकी दी है, तो उसको 2 ईयर्स एंड 7 ईयर्स तक सजा हो सकती है. जनरली डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, आई मीन कौन सा ऑफेंस, कौन सी धमकी आपके साथ दी गई है. तो टाइम पीरियड यही है, आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको एक्शन लेना है. गॉट इट? अदरवाइज धमकी का जो रिजल्ट होता है, जो कंसिक्वेंस होते हैं, वो काफ़ी बुरे हो सकते हैं. सो डिपेंड करता है नेचर ऑफ धमकी एंड नेचर ऑफ योर रिलेटिव्स और वट एवर इट इज़, जिसने भी आपको धमकी दी है उसका जो नेचर है वो कैसा है, वो कर भी सकता है ये चीज़ है या फिर ऐसे ही बोल रहा है. गॉट इट? सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. सो मॉरल ऑफ द वीडियो यही है कि आप धमकियों को सीरियस लो और कोई भी हल्के में ना लो. गॉट इट? सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. सो आई एम गोइंग टू मेक मोर वीडियोज. मीनवाइल यू डोंट फॉरगेट टू स्टे स्टाइलिश एंड स्टे अवेयर. आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो. बाय.